Good morning, students. Today the topic of lecture is canonical forms or normal forms. इसमें क्या है कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसको हमने क्लासीफाई किया था कि आइदर दे आर हाइपरबोलिक और पैराबोलिक और एलिप्टिक, ये किया था ना अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ एस्केयर माइनस फोर आर टी. तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी क्लासिफिकेशन होगी कि हाइपरबोलिक है तो हम उसकी कैनोनिकल फॉर्म किस फॉर्म में निकालेंगे. कैनोनिकल फॉर्म में वो क्या होगा, एक सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, उसको सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है और एलिप्टिक है. वो हम फॉर्मूला कर चुके हैं कि एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू जीरो है तो पैराबोलिक, लेस देन जीरो है तो एलिप्टिक. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ फॉर्मेशंस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी कि जिसमें हम एक्स और वाई को यू और वी का फंक्शन ले लेंगे, यू और वी ऐसे फंक्शन ले लेंगे जो एक्स और वाई के फंक्शन है. अब जहाँ एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे यू और वी. अब ये जो एक्स वाई और यू वी का रिलेशन है ये कहाँ से आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसी है, किस इक्वेशन में हमें क्या इनका रिलेशन लेना है वो हम आगे करेंगे. और कंडीशन क्या है कि इनका जैकोबियन, करली यू वी बाय करली एक्स वाई, जैकोबियन पढ़ा हुआ है आपने. जैकोबियन क्या होता है, करली यू वी और करली एक्स वाई को हम इस टाइप से लिखते हैं, करली यू बाय करली एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऊपर, फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू के दोनों डेरिवेटिव एक रो में आएंगे, फिर वी के दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई सेकेंड रो में आएंगे, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट मस्ट बी नॉन जीरो. मतलब यू और वी का ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ये जैकोबियन नॉन जीरो हो. अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पी क्यू है, पी क्यू क्या है, करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई. आर एस टी क्या है, करली स्केयर जेड बाय करली एक्स स्केयर, करली स्केयर जेड बाय करली वाई स्केयर, टी है और एस है करली स्केयर जेड बाय करली एक्स करली वाई. इस सारे इक्वेशन को हमें एक्स वाई जेड की बजाय यू वी जेड में चेंज करना है. मतलब जो वेरिएबल हमारा Z के साथ X था, करली Z बाय करली X था, वो करली Z बाय करली U में चेंज हो जाएगा, और करली Z बाय करली Y, करली Z बाय करली V इस टाइप से चेंज हो जाएगा. तो ये P, Q, R, S, T सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. अब उनको चेंज कैसे करना है ये सारा हम कैलकुलेशन करने की बजाय हम सीधा फॉर्मूला पे आ जाते हैं. वर्किंग रूल क्या है इसका, वर्किंग रूल कि इसको रिड्यूस करने का वर्किंग रूल क्या है. हमें क्वेश्चंस में तो वर्किंग रूल ही अप्लाई करना है. सबसे पहले इक्वेशन इस टाइप की गिवन होगी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उसको हम चेक करेंगे कि हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है, अकॉर्डिंग एज दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो. फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें जो आर की वैल्यू है, आर एस और टी, ये हमने यहाँ से उठाने हैं और इसमें डालने हैं आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी. मतलब यहाँ से आर एस टी की वैल्यू लेके एक इक्वेशन बनानी है जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो. अब इसके तीन रूट्स आएंगे, वो तीन रूट्स किस पे डिपेंड करेंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे. डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, मान लो रूट्स हैं लैम्डा वन और लैम्डा टू, तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. और अगर ये इक्वल टू जीरो है तो रियल और इक्वल होंगे. अगर ये लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है, तो रूट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो उस केस में हमारे पास रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स. तो तीन केसेस आ गए, या तो रियल और डिस्टिंक्ट, या फिर रियल और इक्वल, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स. अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रूट्स निकाल लिए आपने लैम्डा वन लैम्डा टू, अगर तो ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो हम ये इक्वेशंस बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा, दोनों केसेस में चाहे रियल और डिस्टिंक्ट है चाहे कॉम्प्लेक्स है, अगर ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू, और इसको सॉल्व कर लेंगे. तो क्या होगा कि x और y का फंक्शन आ जाएगा, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक f1 xy कांस्टेंट और f2 xy कांस्टेंट. ये जो f1 और f2 आए हैं इसको नेम दे देंगे u एंड v. टेक u इज इक्वल टू f1 एंड v इज इक्वल टू f2.
हाँ, अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो हमारे पास एक ही फंक्शन आएगा, फिर हमें सेकंड फंक्शन को चूज़ करना होगा। ऐसा चूज़ करना है कि यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इन नॉन जीरो आए, मतलब हम मैट्रिक्स बना के देख लेंगे उसमें डेरिवेटिव्स निकाल के कि यू का वी, जैसे एक्स, एक एक्स प्लस वाई है तो दूसरा एक्स माइनस वाई ले सकते हैं, टू एक्स प्लस वाई ले सकते हैं, थ्री एक्स प्लस वाई ले सकते हैं, इस टाइप का फंक्शन ले लेंगे कि जैकोबियन चेक कर लेंगे, ये जैकोबियन नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, देन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, मतलब जो हमारी पी क्यू आर एस टी एक्स और वाई में थी वैल्यूज, अब वो यू और वी में चेंज हो जाएंगी। उसके लिए आपको बता दूंगी प्रोसीजर क्या है। अच्छा, उसके बाद है अगर कंजुगेट हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो एक रूट आपने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लेना है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि एक दूसरे के कंजुगेट्स होंगे। तो अब हमारी जो पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज़ हैं वो किस में आ जाएंगी, अल्फ़ा और बीटा में, क्योंकि एक्स वाई से यू वी, यू वी से यू वी अल्फ़ा बीटा में है, तो आंसर हमारे ये सारे अल्फ़ा बीटा में आ जाएंगे। ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हम जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे तो कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। अब वो कैनोनिकल फॉर्म कैसे होगी ये ध्यान रखना, अगर हाइपरबोलिक है यानी कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी, कर्ली स्केल जेड बाय कर्ली यू कर्ली वी इक्वल टू फाई वन यू वी जेड, मतलब एक साइड ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू यू वी, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और दूसरी साइड कर्ली जेड बाय कर्ली यू, कर्ली जेड बाय कर्ली वी और यू वी जेड वाली टर्म्स आ सकती हैं। और अगर ये इक्वल टू जीरो है तो कर्ली स्केल जेड बाय कर्ली वी स्केयर आएगा और सेकेंड साइड होगा ये फंक्शन, और अगर लेस देन जीरो है तो अल्फ़ा बीटा में आएगा, क्योंकि हमने यू और वी को अल्फ़ा बीटा में ले लिया, कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली अल्फ़ा स्केयर प्लस कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली बीटा स्केयर, और नेक्स्ट साइड होगा फंक्शन ऑफ दिस। अब इसको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना है, मतलब ये बताना है कि ये इक्वेशन किस टाइप की है। उसके लिए हम R देखेंगे, 1, S4 और T माइनस 5। तो पहले क्या निकालेंगे, S स्क्वायर माइनस 4RT, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इज 36 विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। ये स्टेप हो गया, क्लासीफाई हो गया। अब इसको रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में, तो क्या करना है, आपको एक लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके लिए आर, एस और टी जो हमने अभी निकाला ऊपर, ये वैल्यूज पुट करके लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स निकालो। दो रूट्स आ गए, 1 और -5। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, टू ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन यू और वी। यू वी में बनाने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैमडा 1 इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैमडा 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स को इधर ले जाएंगे, इंटेग्रेट कर देंगे, y प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। फिर डी एक्स को इसके साथ ले जाएंगे, y माइनस 5 एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो एक को u ले लो, एक को v, तो u और v की वैल्यू आ गई x और y में। यहाँ तक समझ आ गया प्रोसीजर। सबसे पहले हमें ये बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आर एस टी की वैल्यू निकालनी है, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालना है, इक्वेशन देखनी है कैसी है। फिर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें आर एस टी की वैल्यू पुट करनी है, इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स को इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। इसको एक सॉल्यूशन को यू लिख लो, एक को वी। अब यहाँ से आप करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y निकाल सकते हो, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। एक्चुअली आपको करना क्या है, पी क्यू आर एस टी की टर्म्स को u और v में कन्वर्ट करना है। पी क्यू आर एस टी क्या है, p है करली z बाय करली x, इसको हम u में लाना चाहते हैं। तो क्या होगा, z को हम मान के चलेंगे फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ फंक्शन ऑफ x। तो जब z को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो इसको हम कैसे करेंगे, बिकॉज z इज़ अ फंक्शन ऑफ u v, तो हम करली z बाय करली u लिखेंगे और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, करली u बाय करली y। ऑल्सो z इज़ फंक्शन ऑफ v, z के अंदर u भी है v भी है और u v दोनों ही x के फंक्शन है। तो जैसे चेन रूल लगाते हैं ना, करली z बाय करली u के साथ करली u बाय करली x आ जाएगा और करली z बाय करली v के साथ करली v बाय करली x। ये ध्यान से समझ लो स्टेप,
ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत बार यूज़ होगा ये। कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स को हम क्या लिखेंगे, कर्ली जेड बाय कर्ली यू इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वी इंटू कर्ली वी बाय कर्ली एक्स। अब ये जो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स और कर्ली वी बाय कर्ली एक्स हैं, वो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यू यू क्या है, वाई प्लस एक्स, तो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ वन, और कर्ली वी बाय कर्ली एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ माइनस फाइव। तो इसमें वन और माइनस फाइव पुट कर देंगे तो ये बन गई पी की वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में, ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। ऑपरेटर मतलब अगर हम z को बाहर ले लें तो ये बन गया कर्ली बाय कर्ली u माइनस फाइव कर्ली बाय कर्ली v। तो इसको हम z पे लगा के ये ऑपरेटर बना सकते हैं, क्योंकि ये था कर्ली बाय कर्ली x ऑन z, z पे हमने कर्ली बाय कर्ली x लगाया था तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स कर्ली बाय कर्ली x की जगह जहाँ भी कर्ली बाय कर्ली x लगाना है वहाँ हम ये लगा सकते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की बजाय उसका हम ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ q कर्ली z बाय कर्ली y, ऐसे ही कर्ली z बाय कर्ली u, कर्ली u बाय कर्ली y, कर्ली z बाय कर्ली v, कर्ली v बाय कर्ली y इसमें आ जाएगा। अब आपको निकालना है, अच्छा ये y के विद रिस्पेक्ट टू कर लो दोनों को, और ये ऑपरेटर बन गया कर्ली बाय कर्ली v इज इक्वल टू दिस। अब मेन निकालना है आपको आर एस टी की वैल्यू। r होता है कर्ली स्केयर z बाय कर्ली x स्केयर, इसको ध्यान से देखना, कर्ली स्केयर z बाय कर्ली x स्केयर को हम कर्ली बाय कर्ली x एक ऑपरेटर अलग कर लें तो अंदर क्या रह जाएगा, कर्ली z बाय कर्ली x, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर दो और इस ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दो, कर्ली बाय कर्ली u जो हम भी हमने ऊपर निकाला था माइनस फाइव कर्ली बाय कर्ली v, इस ऑपरेटर को हमने इस पे लगाना है। अब हम टर्न वाइज लगाएंगे, पहले हम कर्ली बाय कर्ली u को इस पे लगाएंगे, फिर कर्ली बाय कर्ली v को इस पे लगाएंगे, दोनों पे। जब हम कर्ली बाय कर्ली यू को इस पे लगाएंगे तो कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली यू स्केयर आ गया। उसके बाद यहाँ कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, और यहाँ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू जीरो हो जाएगा। कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली यू कर्ली वी आ जाएगा माइनस फाइव, यहाँ से भी कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली यू कर्ली वी आएगा माइनस फाइव के साथ, माइनस टेन बन गया, और इसका डेरिवेटिव कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली वी स्केयर हो गया। तो ये आ गई आर की वैल्यू। Similarly, we can find the value of s and value of t. Now we substitute these all values p, q, r, s, t in given equation 1. जहाँ p, q, r, s, t था वहाँ हम ये value put कर देते हैं, r, r की जगह ये, s की जगह ये, t की जगह ये, p और ये q. फिर इस सारे को सॉल्व करते हैं। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली यू स्केयर के साथ जीरो आ जाएगा, कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली वी स्केयर के साथ भी जीरो आ जाएगा। आपके पास सिर्फ एक तो ये टर्म बचेगी डबल डेरिवेटिव में, कर्ली स्केयर जेड बाय कर्ली यू कर्ली वी, और बाकी सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म्स बचेंगी। इसको एक साइड कर दो, इसको एक साइड कर दो, तो ये बन गई कैनोनिकल फॉर्म। This is required canonical form of given equation 1. ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि जो हमने u और v लिए थे ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका जैकोबियन निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। तो इस टाइप से आप क्लासीफाई कर सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर एक दो एग्जाम्पल्स और कर लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू।